मैंने सोचा कि लास्ट ईयर जैसे मैंने किया था, इस बार भी मैं वो करूं जो चीज़ इट्स रियली हेल्पफुल फॉर द बर्ड्स। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, मैं हूँ आप सबका दोस्त रफात। आई वेलकम यू ऑल टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस, यहाँ पे समर शुरू हो गया है एंड मैंने सोचा कि लास्ट ईयर जैसे मैंने किया था, इस बार भी मैं वो करूँ जो चीज़ इट्स रियली हेल्पफुल फॉर द बर्ड्स, और मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो वेस्ट बॉटल्स हैं ना, वेस्ट बॉटल्स को हम लोग कट करते हैं। लेट मी कीप दिस कैमरा हियर। यार टू बी फ्रैंक, आज मैं ट्राईपॉड नहीं लेके आया, तो विदाउट अ ट्राईपॉड मैं शूट कर रहा हूँ ये चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो जो वेस्ट बॉटल्स रहते हैं ना पानी के, कलेक्ट करके दो तीन बॉटल ज़्यादा नहीं, उसको कट करके विंडोज़ के बाहर बांध देते हैं पानी डाल के। तो ये क्या होगा कि देखो, अभी गर्मी में एक घंटा या आधे घंटे में हम लोग बार बार पानी पीते रहते हैं क्योंकि हम लोग को प्यास लगती है, सही है। तो बर्ड्स भी है या परिंदे भी हैं जिनको प्यास लगती है इस गर्मी में, तो आई थिंक हम लोग तो खुद का हेल्प कर लेते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनका भी हेल्प करें। तो आई थिंक इतने में उन लोग का बहुत सा हेल्प हो जाएगा बर्ड्स का। तो आप भी ये चीज़ करना अगर आपको ये अच्छा लगा, यार बहुत सवाब का काम है। तो देखते हैं हमारे वेयरहाउस में क्या है बॉटल्स, और जब हम लोग नीचे जाते हैं वहाँ पे सिटी सेंटर है वहाँ पे भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे बॉटल्स का जो नंबर है, तीन चार चाहिए मेरे को, अगर वो नंबर रीच नहीं हुआ तो मैं जाऊँगा सिटी सेंटर अंदर, देन वहाँ पे कुछ जुगाड़ करेंगे इसका। तो लेट्स सी अंदर है या नहीं है, गर्मी है बहुत। हमारे दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास पूछेंगे। इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्रार भाई, बॉटल है ना, वेस्ट बॉटल कहीं पे है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये हमारे इब्रार भाई है, लॉजिस्टिक संभालते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए दो तीन बॉटल चाहिए था यार, गाड़ी में या इधर कहीं होगा तो मिलेगा। यार मैं सोचा था मैं भी बाहर जाऊंगा, अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो सिटी सेंटर में जाके मैं कुछ कलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जो तीन है, यहाँ पे भी है क्या? चार हो गया यार, सीरियसली चार तो बहुत है, बाहर भी रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, और इब्रार भाई हमारे थोड़ा फॉलोअर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलो भाई। इसका वीडियो सब्सक्राइब करो एंड लाइक मारो, सही है, घंटा का निशान मारो। हाँ यार, नोटिफिकेशन बेल को प्लीज प्रेस करना। जो मेन सामान था वो हमें मिल गया है, तो इसको हम लोग रूम पे जाके इस काम को अंजाम देंगे। एंड एक मैसेज था आप सबके लिए, वो ये है कि फाइनली आज अभी यहाँ पे कोई नहीं है, इसके लिए मैं मास्क काट रहा हूँ, और मैसेज इस मास्क के बारे में ही है। लॉकडाउन तो ओपन हो गया, जैसे ही आप सबको पता है कि लॉकडाउन ओपन हो गया है, मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेडिसिन कुछ मिला नहीं है, वैक्सीनेशन कुछ हुआ नहीं है, तो जस्ट बी केयरफुल गाइस जब भी आप बाहर आते हो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो टहलने बाहर आते हैं, वॉकिंग को बाहर आते हैं बच्चे लोग के साथ। कोरोना गया नहीं है, है अभी भी, तो अंदर बैठो ठीक है। और कल मैं नंबर देकर आता उड़पी का, तो उड़पी का जो नंबर है कल 400 प्लस हो गया है, क्रॉस हो गया है। तो गाइस वहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अर्जेंट कुछ रिक्वायरमेंट है तो ही आप बाहर जाओ, जो जॉब्स को जाने वाले हैं उन लोग बाहर जा सकते हैं। यार छूप का पुकट में आई मीन मार्केट में आना विदाउट एनी पर्पस सही नहीं है, तो उधर भी घर पे बैठो। और मास्क के बारे में ये मैसेज है कि मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पे देखा कि वो लोग मास्क पहनते हैं पतला वाला कॉटन, आई थिंक फाइन से बचने के लिए, बट फाइन से बचकर अगर ज़िंदगी ना रही तो क्या ज़िंदगी है यार। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप मास्क परचेज़ करने जाओगे तो थोड़ा देखो कि क्वालिटी वाला परचेज़ करो यार, एक दो दिरहम ज़्यादा जाएगा तो नो प्रॉब्लम, इंडिया में भी 2-3 रुपये ज़्यादा होएगा उसका, अगर ज़्यादा रहे 10-10 रुपये भी ज़्यादा रहेगा तो सही है यार, क्योंकि आज अगर आप वो 2-3 रुपये सेव करते हो, अगर आप कल ना हो तो वो 2-3 रुपया जो सेव हुआ उसका क्या फ़ायदा। तो जो नॉर्मल आते हैं वो एक लेयर में आते हैं, जो ये थोड़ा महंगा वाला जो मास्क आता है यार, महंगा ज़्यादा नहीं है बट यू कैन अफोर्ड इट, ये तीन लेयर में आते हैं। तो जब एक टेस्टिंग के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर नॉर्मली आप ऐसा मास्क रख के फूंक मारोगे ना तो इफ़ इट इज़ अ कैंडल वो बुझ जाएगा, तो नॉर्मली आप कॉटन में जब करते हो वो बुझ जाएगा, अगर इसमें जब करते हो तो नहीं बुझेगा, तो ये बहुत सेफ्टी है। तो
गवर्नमेंट भी सोच समझ के ही बोल रहा है कि मास्क पहनो, तो उन लोग का इंटेंशन ये है कि सेफ रहो, ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़े का बना के फैशन वाला यूज़ करो। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बी सेफ, स्टे एट होम, अपना भी ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो, जैसे आप खुश तो दूसरे भी खुश और अपने घर वाले भी खुश। दैट्स इट गाइस, अभी हम लोग निकलेंगे बाहर, थोड़ा टाइम बाकी है शिफ्ट क्लोज होने को, देन हम लोग घर पे जाएंगे, देन इसका काम को अंजाम देंगे, थोड़ा बॉटल वाटर कटिंग वटिंग करके आप सबको बताऊंगा कि कैसे करूंगा। तो दैट्स इट, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जो भी होगा जो होगा यही वीडियो में। तो कीप लविंग, स्टे ट्यून्ड। सो ऑलराइट गाइस, सो फाइनली मैं रूम रीच हो गया हूँ और बाहर जो टेम्परेचर था यार 38-39 डिग्री का कुछ था। तो अभी हम शुरू करते हैं ये काम जो मैं करने वाला हूँ, और उससे पहले आई थिंक आई नीड टू चेंज, राइट? सो ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे काम के ओर। तो जो बॉटल्स हैं दे आर ऑलरेडी हियर, सो आई नीड टू कट इट, और उसको काटने के लिए हमें चाहिए नाइफ या सीजर, देखते हैं क्या पड़ा। इसको हम कटिंग करने शुरू करते हैं। आई हैव 4 बॉटल्स, तो एक हो गया। ये जो 4 बॉटल है वो रेडी है, और उसको बांधने के लिए बहुत दिन से ये पड़ा हुआ था, आज सोचा यूज कर लूं कुछ अच्छे काम के लिए। ऑलराइट, मैंने टाई किया क्योंकि अगर नीचे बंधेंगे और ऊपर नहीं बंधेंगे तो शायद बैलेंस नहीं मिलेगा, तो इसके लिए बैलेंस के लिए। तो ये जो 4 है ये रेडी है, अभी जाके बनते हैं वहाँ पे उसको, देन विल मेक द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। तो लेट्स गो। यार बहुत धूप है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम था बहुत अच्छे से हो गया। होप ये अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और आप भी ये चीज़ करो, सवाब कमाओ। पूरा गीला हो गया हूँ, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आज मेरा बाल थोड़ा छोटा है, तो कटिंग किया, बहुत गर्मी है बाहर और पसीने में बोलते हैं ना कि हेयर फॉल बहुत हो रहा था, तो इसके लिए कट किया। तो गाइस लाइक करो, शेयर करो, ऑलरेडी बोल दिया बट स्टिल बोल रहा हूँ क्योंकि मांगना पड़ता है हर चीज़। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के जब भी मैं करूँगा अपलोड मेरे चैनल पे। तो दैट्स इट, दिस इज़ मोहम्मद रफ़ात साइनिंग आउट फ्रॉम रफ़ात्स ब्लॉग। दुआ में याद रखना।